उज्जैन जिले के बड़नगर सीएमओ कुलदीप किंचुक के चार निवास स्थान पर एक साथ लोकायुक्त ने की छापामार कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़नगर सीएमओ कुलदीप किंचुक के चार निवास पर एक साथ छापामार कार्रवाई की, जिसमें 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति, जिसमें 4 पहिया वाहन, मकान और जमीन होना बताया जा रहा है। लोकायुक्त कार्रवाई के आगे भी निरंतर जारी रहेगी, जिससे आगे भी कई बड़े खुलासे होने की जानकारी लगी है। लोकायुक्त टीम ने सीएमओ कुलदीप किंचुक के 4 जगह निवास, जिनमें बड़नगर, तराना, माकड़ोन और उज्जैन में एक साथ दबिश दी गई है। प्रारंभिक जांच में कृषि भूमि माकड़ोन में 80 लाख रुपए का बंगला, 2 4 पहिया वाहन, सोने चांदी के आभूषण, नकदी सहित करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति सामने आई है। सीएमओ कुलदीप किंचुक ने अब तक 15 वर्ष की शासकीय नौकरी में 30 लाख रुपए तनख्वाह प्राप्त की। सीएमओ ने कई संपत्ति परिचितों के नाम खरीदी, जिसकी भी लोकायुक्त द्वारा जांच की जा रही है। माकड़ों से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। ये सीएमओ है नगर पालिका परिषद बड़नगर के श्री कुलदीप किंचुक। इनके विरुद्ध लोकायुक्त उज्जैन में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की गई। जांच पर यह पाया गया है कि इनके द्वारा ये सेवा में 2008 में आए हैं, उसके बाद में वर्ष 2010 के बाद इनके द्वारा 21 बीघा जमीन, कुछ प्लाट क्रय किए गए हैं तथा इनके द्वारा अपने पैतृक गांव माकड़ोन में एक 3 मंजिला भवन, एक 2 मंजिला आलिशान भवन, उज्जैन में एक डुप्लेक्स क्रय करना तथा 2 4 पहिया वाहन क्रय करना, कुल मिलाकर अभी तक की जांच से इनके जो आय का स्रोत है या इनको जो तनख्वाह मिली है वो लगभग 30 लाख रुपए होती है, और प्रारंभिक रूप से जांच पर इनके यहाँ 3.75 करोड़ की संपत्ति इनके द्वारा अर्जित करना पाया गया है। अभी कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाए और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप TV चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।